नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी बुक क्लास चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3.2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए 3.2 में लिखा है प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग। देखिए इसमें लिखा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हैं। तो देखिए हमने पहले पिछली क्लास में भी बताया था, जो भी कार्तीय तल में, देखिए कार्तीय तल है, ये कार्तीय तल है और ये यक्ष अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ठीक ना। ये कार्तीय तल बना लिया हमने, ये कार्तीय तल होता है। किसी भी तल को चार बराबर भागों में बांटा जाता है। इसमें देखिए ये क्षैतिज रेखा होती है, ठीक ना। तो इसको हमने क्षैतिज रेखा बताया था, ये क्षैतिज रेखा हो गया और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे, क्षैतिज रेखा क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलेंगे। तो लिखेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बराबर यक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को लिखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष, ठीक ना। तो ये पहले प्रश्न का पहला भाग हो गया। दूसरा भाग में देखिए लिखा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए, ठीक ना। तो देखिए हमने बताया था ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है ठीक ना, और ये चतुर चतुर्थांश होता है। ठीक ना, तो इनके नाम लिख लेते हैं यहां पर। तो लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। और ये चतुर चतुर्थांश, ठीक ना। तो ये हो गया। अब थर्ड भाग देखते हैं इसका क्या लिखा है। लिखे उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। देखिए दोनों रेखाएं कहां से प्रतिच्छेद होती हैं, मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु कहलाता है, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे मूल बिंदु, ठीक ना, जिसका निर्देशांक 0 0 होगा, है ना। यक्ष अक्ष भी 0, वाई अक्ष का भी 0। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जिसके लिए ये आकृति बनी है, जिसको पहले आकृति को हम बना लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अब, जिसका हमने एक आकृति बना दिया। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग है। प्रश्न नंबर 2 में पहला लिखा है, लिखा है बी के निर्देशांक। तो देखिए बी के निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। देखिए क्या है, बी कहाँ है इसमें, ये खोजते हैं। देखिए ये रहा बी। अब बी वाले को पहले ना यक्ष अक्ष पे मिलाइए, यक्ष अक्ष पे क्या है -5, फिर इसको वाई पे मिलाइए तो वाई पर है 2। तो ये बी के निर्देशांक ज्ञात हो गया, ठीक ना। प्रश्न दूसरा भाग है सी के निर्देशांक। तो सी के निर्देशांक है, सी देखिए इसमें कहाँ है, ये रहा सी, ठीक ना। तो सी में पहले इसको यक्स पर मिलाइए 5, फिर वाई पर मिलाइए -5, लिखिए 5 और -5, ठीक ना। पहले यक्स पर मिलाइए फिर वाई पर मिलाइए, इस प्रकार सी के निर्देशांक ज्ञात हो गए। फिर लिखा बिंदु डी, बोलते हैं कि इसमें -3 और -5 ये किस बिंदु के निर्देशांक हैं, ठीक ना, -3 और -5। तो इसमें देखिए इसको यक्स, ये यक्स होता है, ये वाई होता है,
है ना। तो पहले x में देखिए कि माइनस थ्री कहाँ है, ये रहा माइनस थ्री, फिर माइनस फाइव वाई वाले में, तो देखिए ये रहा, ये मिलाया ये मिलाया, तो ये बिंदु हमको D मिला, तो लिखेंगे बिंदु E। तो बिंदु E के निर्देशांक थे, ठीक ना। फिर चौथा भाग देखते हैं इसका, तो चौथे भाग में भी एक निर्देशांक दिया हुआ है, दो माइनस चार। तो दो माइनस चार देखते हैं, तो पहले x का मान दो है, x का मान दो है, तो रहा दो, और y का मान ऋण चार, तो देखिए ये माइनस चार, ये y का मान, ये दोनों बिंदु जहाँ आके मिला है तो वो बिंदु G हो गया। तो लिखते हैं बिंदु G। पांचवा देखते हैं, पांचवा में क्या है, D का भुज लिखा हुआ है, D का भुज लिखा हुआ है, ठीक ना। तो हम पहले D के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, D के निर्देशांक क्या है, तो D के निर्देशांक देखिए D कहाँ है इसमें, ये रहा D। तो D वाले पहले x पर मिलाया तो 6 आया, और y पर मिलाया तो 2 आया, तो लिखेंगे 6 और 2। और हमको मालूम है इसको भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं, तो हमसे पहले ये भुज पूछा गया है, तो भुज का आंसर 6 हो गया। फिर 6 देखते हैं, 6 में लिखा है बिंदु यच की कोटि, तो लिखेंगे यच की कोटि। तो पहले यच के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, के निर्देशांक, तो निर्देशांक कहाँ है इसमें, यच कहाँ है, ये रहा यक्स वाले पहले यच यक्स पर मिलाइए तो ये रहा माइनस फाइव, और वाई पर मिलाएंगे तो माइनस तीन, तो लिखेंगे माइनस फाइव और माइनस तीन। इस प्रकार कोटि किसे बोलते हैं, ये भुज है तो ये कोटि हो गया, ठीक ना। तो कोटि कितना है, माइनस तीन, ये हो गया, ये हो गया सात। सात को देखते हैं, यल के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यल के निर्देशांक। तो L के निर्देशांक कहाँ है, L कहाँ है इसमें, ये रहा L। देखिए ये Y पर कहीं नहीं गया, X पर कहीं नहीं है, ये Y पर है ना। L का मान मतलब Y पर ही, Y अक्ष पर ही है, इसका मतलब इसका X का मान जीरो होगा, ठीक ना। अगर ये Y पर ही है तो X का मान जीरो, और Y पर कितने पर है, पांच पर, तो ये पांच पर आंसर लिख दिया, ठीक ना। इस तरह आठवां देखते हैं, आठवां में लिखा है M के निर्देशांक, तो यम के निर्देशांक देख लेते हैं। देखिए यम के निर्देशांक, ये यम देखिए ये यक्ष अक्ष पर ही है, मतलब वाई का मान जीरो हो गया, तो यक्ष अक्ष पर है कितने पर, माइनस तीन, तो माइनस तीन और शून्य, ये आंसर हो गया।